सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी दो दिन पहले योयो हनी सिंह एंड फुकरा इंसान एक दूसरे से मिले थे, जिसको लेके फुकरा इंसान ने कुछ ऐसी पोस्ट भी शेयर की थी। सो अभी फुकरा इंसान का एक ब्लॉग सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वो हनी पाजी से मिलने गए थे तो उनके साथ एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज हो गई। आप लोग छोटी सी क्लिप देख लो। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, पता क्या हुआ, कल ना एक्चुअली मैं एक पार्टी में गया था और वहाँ पर हनी पाजी ने आना था, तो इसलिए गया था मैं हनी सिंह जी से मिलने। यू नो आई लव हिम सो मच, और मेरी ये दो फोटोज है हनी पाजी के साथ। तो वहाँ पर ना हनी सिंह पाजी से मिलने के बाद हादसा हो गया। हादसा ये हुआ क्योंकि गाड़ी मैंने वहाँ पार्क करवाने भेजी थी और जिसने पार्क करी ना उसने ये थोड़ा सा निशान दे दिया गाड़ी पे। तो कल हनी सिंह पाजी के साथ फोटो जो थी वो थोड़ी महंगी पड़ गई हमारे को। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो इंस्टाग्राम पे रेडियो मिर्ची ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने उन्हीं के ऑफिस के बंदों से योयो हनी सिंह एंड बॉटसा के बीच उनसे उनका फेवरेट पूछा है। सो वैसे तो हनी सिंह सभी रैपर्स के बाप हैं, लेकिन फिर भी आप इस पोल का रिजल्ट देख लो, 90% लोगों ने हनी सिंह को चूज किया है। जलवा है हमारा। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो सिमर कौर को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिन्होंने योयो हनी सिंह के कमबैक सॉन्ग दिल चोरी में लोका में वही कैसानोवा सॉन्ग में अपने वोकल्स दिए थे। सो सिमर कौर का अभी एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने हनी पाजी की एक बहुत ही खास बात और दिल चोरी सॉन्ग की पूरी स्टोरी बताई है। एक्चुअली मैं हनी सर नु जानती सी जो तो मैं रियलिटी शोज करे सी, ते तामी हनी सर कहंदे हनी सिंह योयो हनी सिंह स्टूडियो सेशन करे बट कुछ ऐसा मटीरियलाइज नहीं होया। लेकिन फिर जो ए वाला गाना बना रहे सी तो उन्होंने मैनु कहा कि एदा दा मैं गाना बना रहा ते एदे विच मैनु इस पार्ट दे लई कुछ चाहिए। अच्छा। सो फिर असीं बहुत सारे गाने जिहड़े हैं उन्होंने वर्क किया। अच्छा। सिर्फ ओ वाले सैगमेंट लई। ठीक है। फिर योयो कहिंदे कि नहीं इहदे विच लिरिक्स सानू चेंज करने हैं। सो मतलब एसोसीएशन पुरानी सी बट वह मटीरियलाइज 18 तक हुई। मैनू लगता है उन्हें अगर हुणे वह इत्थे भी बैठे हैं तो आई एम सो श्योर कि उन्हों का ध्यान हर चीज़ 'च है और कुछ ना ले लैणगे। सो उन्हों की वो चीज़ मैंने बहुत अच्छी लगती है। अरे आई थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड उन्होंने माइंड हमेशा चलता रहता है, समथिंग म्यूजिक इज हैपनिंग। सो फिर कितों की बनेगा किमें होएगा। सो दैट्स व्हाई ही इज़ योयो। सो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आई गए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।